नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यूइंग करेंगे और मैं आपको इस कैबिनेट के सारे फीचर्स बताऊंगा, जिसका मॉडल नंबर है Kenti 1। ये बीबीसी ने अभी 2018 में नए गेमिंग केसेस की रेंज में लॉन्च किया है और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। टेम्पर्ड ग्लास है, फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास है, बाकी की फीचर्स हम डिटेल्स आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको इस कैबिनेट के फीचर्स और डिटेल्स के बारे में पता चल सके। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने एक बॉक्स खोला, तो ये दो बॉक्स की ड्यूल बॉक्स की पैकिंग है इस कैबिनेट की। आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्यूल बॉक्स की पैकिंग है जो कि आपके कैबिनेट की प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर आपको ये एक 120 mm का रेनो LED फैन दिया गया, जिसको मैं बाद में इस कैबिनेट के अंदर फिट करके प्ले करके दिखाऊंगा कि अंदर लगाने के बाद कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड में इसकी EPA पैकिंग है जो कि आपकी फोम की बनी होती है, जिससे कि इसकी शॉक अब्जॉर्प्शन के काम आती है, जिससे कि डैमेज वगैरह ना हो। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है तो अगर हम कहीं इसको किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन में अगर ये धक्का वगैरह कुछ लगता है तो ये उसको कैबिनेट तक नहीं जाने देती है, जिससे कि कैबिनेट के टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये हमने कैबिनेट को बाहर निकाल लिया। ये हमने कैबिनेट ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसके एक साइड में इसका ये टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है और इसके ये फ्रंट में भी ये जो है ये आपका टेम्पर्ड ग्लास है। तो अब हम इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। इसके चारों कोनों में चार माउंटेड स्क्रू दिए गए हैं, जिनमें अगर आप देख सकते हैं तो ये रबड़ की कोटिंग दी हुई है स्क्रूज के अंदर। ये चारों स्क्रूज के अंदर है। देख
जिससे कि आपके कैबिनेट का में जो टेम्पर्ड ग्लास है उसका प्रोटेक्शन होता है किसी भी तरह के झटके वगैरह से। प्रूफ करने के लिए रबर की फिटिंग्स काम आते हैं जिससे कि ये टूटे नहीं इजीली। ये मैंने इसका टेम्पर्ड ग्लास हटा लिया। टेम्पर्ड ग्लास के दोनों साइड आपको ये पॉलीथीन का कवर दिया गया है, कवर किया गया है जिससे कि ये इस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़े। आप जब भी यूज करें आप इसको अपने को हटा सकते हैं या इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसके अंदर ये ओपन करते हैं। ये आपके ये स्क्रूज हैं, जो स्क्रूज हैं इसके अंदर अंदर आपको कुछ टाइल्स दी गई हैं सबसे पहले। और अब हम इसके अंदर स्क्रूज की बात करें तो इसके अंदर एक आपका स्पीकर दिया गया है, मिनी स्पीकर जो कि आलू मदरबोर्ड में लगता है। और ये आपका बाकी के स्क्रूज हैं, काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिए गए हैं। और ये लॉन्ग स्क्रूज हैं, या फैन में या आपने वाटर कूलर या किसी तरह के लॉन्ग स्क्रूज को यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर ये फैन में माउंट होते हैं। और ये आपकी बाकी के स्क्रूज हैं। तो स्क्रूज की अगर क्वांटिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें। एक्स्ट्रा स्क्रूज हैं, हम ये स्क्रूज साइड में रखते हैं। इसके बाद अब हम इसकी केबल्स की बात करते हैं। अगर हम केबल्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, हाई क्वालिटी की केबल्स इसमें यूज की गई हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी। ये आपके एक 3.0 है, ये आपका ऑडियो के लिए है और ये आपका यूएसबी है, नॉर्मल यूएसबी जिसे 2.0 कहते हैं। तो ये आपकी इसमें वायर्स दी गई हैं। और आप इसकी अगर हम ईशू की बात करें तो इसकी पावर सप्लाई बॉटम माउंटेड है, मीन्स आप इसकी डाउन साइड है, आप इसको पावर सप्लाई नीचे की तरफ फिट करेंगे। अब हम पावर सप्लाई के लिए इसको कैबिनेट को का बैक पैनल ओपन करते हैं। हमने इसका बैक पैनल ओपन कर लिया। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें बैक साइड में क्या क्या दिए गए। और सबसे पहले अगर हम बात करें एसएसडी हार्ड डिस्क की, तो आप एक एसएसडी हार्ड डिस्क यहाँ पे इसमें फिट कर सकते हैं, एक एसएसडी हार्ड डिस्क इस जगह पे फिट कर सकते हैं, 2 3.5 इंच हार्ड डिस्क यहाँ फिट कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर स्पेस 3 का है, लेकिन आप जो कॉन्फ़िगरेशन में है इसकी में 2 हार्ड डिस्क बताई गई है। और ये आपकी पीएसयू के लिए, पावर सप्लाई के लिए है। ये आपके पावर सप्लाई के लिए भी इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, तो आप अपनी पावर सप्लाई यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब हम बात करें केबल मैनेजमेंट की, तो केबल मैनेजमेंट के लिए भी इसमें काफ़ी जगह स्पेस दिया गया है, जैसे कि लाइक है यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और ये आपका केबल मैनेजमेंट के लिए होल्स है, ये होल्स है, आप अपने हिसाब से इसको हाइट में या अनहाइट में जिस तरीके से चाहें आप अपना केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये आपकी कैबिनेट फुली केबल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है। अब हम बात करेंगे इस कैबिनेट के अंदर के फ़ैन हमें कितने दिए गए हैं। तो अगर फ़ैन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम टॉप पे जाएं तो ये आपका डस्ट कवर है, ये मैग्नेटिक डस्ट कवर है आपका, ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक डस्ट कवर है। और इसको हम हटाते हैं तो आप यहाँ पे टॉप पे इसमें 120 mm के 2 फैन फिट कर सकते हैं, और या 240 mm का वाटर कूलर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप में वाटर कूलर लगाते हैं सबसे पहले अपने मदरबोर्ड की पोजीशन ज़रूर चेक कर लें। अब हम इसकी बॉटम की बात करें तो बॉटम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 2 120 mm के यहाँ पे हम फैन फिट कर सकते हैं, और एक फ़ैन हम यहाँ रेयर में फिट कर सकते हैं, ये रेयर में, और आपके 3 फैन हम फ्रंट में फिट कर सकते हैं। अभी मैं इसका फ्रंट पैनल ओपन करूँगा तो आपको इसकी फ्रंट की कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी और अच्छी तरीके से। अब हम बात करें इसकी बैक साइड की, तो बैक साइड आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये ओके प्लास्टिक के माउंट दिए गए हैं, जो कि और इनके ऊपर फोम लगा हुआ है जिससे कि आपका कि जो कैबिनेट की स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये आपका डस्ट फिल्टर दिया गया है नीचे पीएसयू के लिए। अब हम इसका फ्रंट पैनल आगे ओपन करेंगे।
फ्रंट पैनल आप जब भी खोलते हैं किसी भी कैबिनेट का, हमारी हो या किसी भी कंपनी की हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसको खोलते टाइम बड़े सॉफ्ट हाथों से खोलें, नहीं तो इसकी बिडिंग्स या कनेक्टर जो होते हैं उनके टूटने का डर रहता है। इनको ज़्यादा पुश नहीं करें, ज़बरदस्ती करने की जरूरत ना करें, आराम से इसको खोलें। ये मैंने इसका फ्रंट पैनल खोल लिया, आप देख सकते हैं कि जो इसका ये फ्रंट पैनल है ये आपका टेम्पर्ड ग्लास का है। और इसमें एक और आपका फीचर है इस कैबिनेट के अंदर कि जो इसका फ्रंट पैनल का लोगो है वो आपका एलईडी लोगो है। मीन जब आप इसको लोगो को यूज करेंगे, मीन्स इस कनेक्टर को आप मोलेक्स कनेक्टर है ये मेल फीमेल, इसको अपनी पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो आपका फ्रंट में इसका कंपनी का लोगो ब्लिंक होगा। और अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल के फैंस की, तो ये आपके फैन हैं फ्रंट में दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीन फैन है, इसमें आप 120 mm के तीन फैन यूज कर सकते हैं फ्रंट में, और अपना 240 mm का वाटर कूलर या 360 mm का वाटर कूलर भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी अगर प्रायोरिटी की बात करें तो 240 mm का वाटर कूलर के लिए ये एकदम सही रहेगी। और अब हम बात करें अगर कैबिनेट में एयर फ्लो की, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर आप फ्रंट में इसको यूज करते हैं, फ्रंट में अपने फैन वगैरह या वाटर कूलर इंस्टॉल करते हैं और उसको आप यूज करते हैं, तो एयर फ्लो के लिए एक तो इसमें ये आप देख सकते हैं, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से आपकी एयर अंदर जाएगी, एक ये भी स्पेस एयर के लिए ही है। और इस कैबिनेट के मॉडल में ये आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये दोनों साइड है, तो यहाँ से भी ऊपर वाले फैन के लिए एयर अंदर पास होगी। टॉप की बात करें तो टॉप में आप देख सकते हैं तो एयर के लिए बहुत ही ज़्यादा जगह है, आप इसका ये डस्ट कवर इसमें यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये आपका एयर फ्लो के लिए बेहतरीन है। पीछे अगर बैक की बात करें तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्पेस अच्छा है एयर अंदर इनटेक के लिए या बाहर निकालने के लिए। अब अगर इसके एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके एक्सपेंशन स्लॉट हैं जिनको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड या पीसीआई कार्ड की जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। ये इस कैबिनेट का फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू था, अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसमें आपके फीचर्स की डिटेल्स मैंने कवर की है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आप हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नया भी कोई प्रोडक्ट आएगा तो वो आप उसके बारे में सबसे पहले जान पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी हमारी कंपनी के बारे में जान पाएंगे और वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को, जो कि अच्छी रेंज में हैं और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उनका लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू।